लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यार पैगंबर, एक तो हम लोग यहाँ रह के अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकेंगे और ये लोग तो हम लोग को फांसी के तख्ते पे चढ़ा देंगे। तरकीब निकालो ना भाई। एक तरकीब है, अगर चक्कर चल जाए तो। क्या? उन सुसु के माने निकले तो। एक दो तीन। हवलदार 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 क्यों जिला भाई सबने छोड़ने के लिए ना बोला है। लेकिन लेकिन यार यहाँ पर कर दिया लोगों ने तो नहीं। अरे यार पूरा गिला कर देंगे पूरे लोगों पे। बासी पास आएगी तो क्या बात करता है। उधर उधर अंदर अंदर इधर इधर खोल यार। ले चलो 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 सर में माल नहीं है, जेब में माल नहीं है, गरीब आदमियों से आप छोड़ दीजिए। अगर लाइसेंस रास्ते में माल बेचता है। सर में माल नहीं है, जेब में माल नहीं है, छोड़ दीजिए। मेरे को धक्का दिया। मेरे को मेरे को हीरा हीरा अरे माफ करना भाई, अंधा इसको दिखाई नहीं देता है। चलो उधर उधर चलो चलो और मूत के सीधे वापस लॉकअप में। हां अरे कुछ छोड़ के जा। ये मेरी बहन के लिए ये सैंडल मेरी बीवी के लिए। जल्दी बाहर आओ तुम लोग। ये सैंडल अच्छा लगता है ना? ये एकदम ब्रांड न्यू सेकंड है यार। ये बात ले भैया, बात बोल ले अभी। और क्या, ये मेरा मैं क्यों दूं? अभी ड्यूटी पर है ना हम लोग? ड्यूटी है? अरे मगर वो तो न्याय ड्यूटी है। यार वो दोनों अभी तक बाहर नहीं आए। कौन दोनों? अरे वो दोनों। अच्छा भाई देखता हूँ ना। देख जल्दी जल्दी करो चलो। हीरा क्या वो दोनों अंदर नहीं है? क्या क्या नहीं है वो दोनों अंदर? क्या पकड़ा? भाग गए ढूंढो। हाँ पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे ये क्या कर रहे हो? सर 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 सर। अरे आप लोग इतने परेशान क्यों हो? सर वो अंधे भैरों ने फिर से नाटक कर दिया सर। उन अंधे भैरों से तो मैं तंग आ चुका हूँ, परेशान हो गया हूँ। तो फिर समझिए सर आपकी परेशानी खत्म। खत्म मतलब? वो दोनों भाग गए सर। हमारी मांगे औरतों का जुलूस घुस जाए उसमें। पूरी करो 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 पूरी करो। अरे तू उधर किधर जा रहा है यार? बाहर निकला है। पूरी करो पूरी करो क्या तू यार? पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो। हमारी पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस 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 लंबर पुलिस। हाँ फिर क्यों कटोड़ो भूंगा डोड़ो मुंडा की मेरा मंडल हमारी मांगे। हाँ मेरा मंडल। हे 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 कौन है तू? कौन है तू? मैं इंस्पेक्टर। कौन इंस्पेक्टर? घोर पड़े। हे घोर पड़े केड़े पड़े घोर घोर पड़े इंस्पेक्टर घोर पड़े। मैं अभी क्या करूं? अरे घोर पड़े तो क्या किसी के भी घूंघट में घुस पड़े? तेरे को आग लगे तेरी का माँ बहन नहीं है? अरे क्या बेशरम औरत है, इस तरह बकवास करती है इंस्पेक्टर से? अरे बेशरम बोलता है? तू बेशरम, तेरा बाप बेशरम, तेरा खानदान बेशरम। चुप 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 चल आगे। मांगे पूरी करो। क्या औरतें हैं, जुलूस निकालती है, ऊपर से गालियां देती है, सत्यानाश हो जाएगा इनका। बच गए, आगे कोई नहीं है। नीलम्बर वही वही खुशबू वही खुशबू बांबू दबर मेरे को वो टांग दी। टांग? ये वही टांगे हैं जो हमें फांसी के तख्ते पे टांग देना चाहती है। इनको पकड़ो, ये लोग कातिल हैं, इन्हें पकड़वा दो तो अपनी जान बचेगी। चल
चलो कुनिका। धोले। पकड़ लिया। बेंच। छोड़ मुझे। छोड़ मुझे। पुलिस। पुलिस। पुलिस आ गई। पुलिस आप क्या करना है? वो लोग तो भाग गए। जब आना चाहिए तब तो आती नहीं पुलिस। भाग जल्दी नहीं तो अपन पकड़ जाएंगे। भाग उठ। चल 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 जल्दी से चल। चल आजा आजा। क्या हुआ? गोल पड़े वो बीच में। मैं भी। की गाड़ी खड़ी है ना हमसे। तो चलना फिर देखता क्या है? चल चल चल। ट्रक है। जल्दी बैठ। चाबी किधर है? चाबी किधर? गाड़ी स्टार्ट कर। गाड़ी स्टार्ट कर। हो गई हो गई। गाड़ी स्टार्ट कर ना। अरे हो गई स्टार्ट। हो गई हो गई। तो बोलता क्यों नहीं? बोल रहा हूँ। चल चल। मेरा बाप ड्राइवर था। मैंने माँ के पेट में गाड़ी चलाना सीखा था। मेरी गाड़ी मेरी गाड़ी। अरे अरे साहब अरे अभी देखता हूँ। मजा आ रहा है बहुत। आज क्या हो रहा है मुझे पता नहीं। लंबर ए हीरो इधर आ। देख क्या मच्छी लेके। ए बाबू साहब। आई फॉर टेक वन एक्शन। मेरी जानमन मेरी गुलबदन लड़कियों के मामले में मेरा रिकॉर्ड बिल्कुल साफ सुथरा है। मेरे रहते हुए तुम्हें अपने हस्बैंड से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों के बीच में अगर उसने दीवार बनने की कोशिश की तो मैं उसे बम से उड़ा दूंगा। बम से। बम से। साले अभी तो ये दूसरे की बीवी लेकर भाग रहे। हर हर महादेव। अब क्या शादी करेगा? नो एंट्री में घोड़ा तो जा सकता है। चलो लाजवती कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई? बस सेफ ड्राइवर हूं मैं। ये पहाड़ पर है। गाड़ी को खांसी हो रही है। ए, मुझे बच्चा चाहिए। बच्चा तो शादी के बाद हो ही जाएगा। मुझे पहले चाहिए। पहले कैसे? अरे ये तो बच्चा है। रेडीमेड बच्चा हुआ है। अब मुझे दूसरा बच्चा कब मिलेगा? हाँ जी। हम किधर है? नाम दिखाता हूं इनको। सड़क सीधी हो गई। हम किधर है? अरे यार चल निकल निकल निकल। साले अंधे बहरे गायब।
तू क्या कर रहा है यार? तू हथकड़ी काट रहा है या सारंगी बजा रहा है? जल्दी करना, कितना वक्त लगा रहा है? अरे अंधा हूँ, हथकड़ी समझ कर कहीं हड्डी काट दी तो ठीक है, तेरे को जल्दी चाहिए तो ले। नहीं नहीं नहीं, तू आ, अरे आ, तो फिर अब करने दे आराम से काम। अरे हुआ मत कर, हथकड़ी पकड़ और नीचे देख। कट गया रे। क्या हाथ? हाँ दिखा दिखा। ये रे। खुश? खुश। तेरे को दिखता है क्या? लाड़ो, ए लाड़ो, इधर आ जल्दी। अरे बाबा खाना तैयार होता है। ये क्या है? दिन में नहीं बाबा, नहीं दिन में कुछ नहीं। नहीं क्या का है? ये का है? गर्मी भाई ज्यादा है क्या अंदर? छोड़, तेरे को तो दिन रात वही सोचता है, है? वो दोनों खूनी भाग गए, मेरी नौकरी लफड़े में। तेरे कपड़ा काहे को उतारा? कपड़ा नहीं, क्या है लाडू, वो दो खूनी आंधे भरे भाग गए है ना, उनको पकड़ने के लिए कुछ आइडिया देना मुझे। आइडिया आ गई? आइडिया आई कबाई, मेरी दाल जल गई। अब कैसे पकड़ू नांदो भैरव को? भैरा बन रहा हूं लड़ो, ऐ लड़ो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या करता है? और जल्दी से काढ़ा लेके जा, वरना राजा बाबू की मां तुझको नहीं छोड़ के तुझमें से काढ़ा निकालेगी। भाग। ये लीजिए पानी। दूधी जी मालकिन, राजा बाबू के बाहर जाने का वक्त हो गया, जल्दी से उसकी फटपटी साफ कर दे। अभी साफ किए देते हैं। राजा, राजा बेटा, अब चौधरी साहब आपके लिए लेटर लाया हूँ, लो ये लीजिए। चौधरी साहब, यह आपका बेटा है। वकील है? नहीं। तो फिर डॉक्टर होगा? नहीं। समझ गया, पुलिस इंस्पेक्टर है? नहीं। तो फिर ये कौन है? इस गांव में नए आए हो? जी हाँ, मैंने कल ही ड्यूटी ज्वाइन की है। इसीलिए मेरे सबूत के बारे में तुम्हें तो कुछ नहीं मालूम? जी नहीं। वो कुछ नहीं है, है? सिर्फ अपनी माँ का बेटा है। ओ। एमए किया है, माँ की ममता में, किसी कॉलेज से नहीं, पांचवी में 5 मरतबा फेल हुआ, इसीलिए मजबूर होकर स्कूल वालों ने स्कूल बंद कर दिया। चौधरी साहब बस, इससे ज्यादा कुछ पूछना है तो गाँव के किसी भी आदमी से पूछ लेना।
यहाँ पूछे अगर उसकी माँ ने सुन लिया तो जल्दी भी लकड़ी लेके पीछे दौड़ पड़ेगी। कौन है जी, किससे बातें कर रहे हैं आप? जी जी नहीं, मैंने कुछ नहीं पूछा। नहीं नहीं, मेरी क्या मजाल, नहीं मैंने पूछा ही नहीं कुछ। अरे अजी, ये डाकिया मुझे देखकर भाग क्यों गया? अरे तुम इस हालत में देखे, यमराज भाग जाएगा, वो बेचारा तो फिर भी डाकिया था। क्या? अच्छा ये लेके कहाँ जा रही हो तुम? अजी उस दीवार पे दीमक लगी है ना, उसी को निकालने जा रही थी। अच्छा, वो उस गरीब को मालूम नहीं था। वैसे आपके बेटे साहब उठ गए या अब तक? जब देखो तब मेरे बेटे के पीछे ही पड़े रहते हैं आप। वो बेचारा तो कब का जाग गया, नहाने भी गया है, बस तैयार होके नीचे ही आता होगा। जब वो नीचे आएगा उसके बाद हमें खाने को मिलेगा। कमाल करते हैं आप, आपको खाने की पड़ी है, यहाँ मेरे बेटे ने सुबह से नाश्ता तक नहीं किया। कहाँ से करेगा नाश्ता, एक बजे तो सो के उठता है, एक बजे फिर नाश्ता नहीं होता, दोपहर का खाना होता है। रहने दीजिए, जब देखो तब ताने ही देते रहते हैं। तो क्या दें, खाना तो मिलता नहीं है। आ बेटा आओ, उठ गए? उठ गया बाबा। वाह क्या कपड़े पहने, इसमें तो आज बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहे हो। शुक्रिया बाबा। बस कीजिए जी, नजर लगाएंगे क्या मेरे बच्चे को? चल बेटे तू खाना खा। ये सुनो, मैं भी खाऊं? हाँ आप खाइए। अच्छा खाइए। अरे अरे थूक थूक, मैं कहती हूँ थूक। ये नौकर लोग ठीक से काम नहीं करते, आज इन सब की खबर लेती हूँ। तूने क्यों ठूका? माँ ने कहा ना। क्यों जी, तुमने इसको ठूकने को क्यों कहा? कंकर आया था इसलिए। तो क्या ऐसे कंकर वाला खाना देती अपने बेटे को? बताओ, कंकर मेरे मुंह में आया था, थूपा इसको दिया। अच्छा बाबा जी मैं चलता हूँ। जाओ। तो मैं चलूं? हाँ जाओ बाबा। ठीक है तो मैं चलता हूँ। अरे तो जाना जाता क्यों नहीं? अजी जाएगा कैसे, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है बेचारे के। चलिए इसे पैसे दे दीजिए। पैसे? हाँ। आज के बाद मैं उसको एक नया पैसा नहीं देने वाला। हफ्ते में चार बार जब तक मेरे बच्चे का दिल ना दुखा लो तुम्हें चैन नहीं पड़ता। तुम भी मुझी को कहती रहो, ये चाय बिना मकसद गांव भर में घूमता रहे, आवारागर्दी करता रहे, अय्याशी करता रहे। अजी कौन सी अय्याशी करता है ये, है दारू पी के आता है, लड़कियों को छेड़ता है, बेचारा गरीब गाय की तरह सर झुका के जाता है, सर झुका के आता है। क्या गाय? और आपकी इतनी बड़ी जायदाद ये किसके काम आएगी? मेरा एक माँ मेरी टोपी। अरे क्यों अपने बेहुदा प्यार से इसकी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? अरे देखो उसका कद निकल आया है, ये अपनी जिम्मेदारी का बोझ कब उठाएगा? बस इसकी शादी हो जाएगी सब ठीक हो जाएगा। इससे कौन करेगा शादी? मैं कहती हूँ इसे पैसे दे दीजिए, बहुत हो चुका। मेरे पास पैसे नहीं, मैं अपनी तिजोरी की चाबी पता नहीं कहाँ घुमा के। अगर अरे चाबी घूम गई तो फिर ये क्या है? और फिर जब इसे ही देने के लिए पैसे रखे थे तो इसे दिए क्यों नहीं? बेटा इतने सारे छोड़ो, ठीक है ना? चलो। अरे अरे बेटा धूप कितनी है, चश्मा तो पहन जल्दी। और सुन धूप में ज्यादा मत घूमना बेटा, लू लग जाएगी। माँ जी मेरे होते हुए राजा बाबू को लू कैसे लग सकती है? मैं इस छाते से राजा बाबू को धूप से भी बचाता हूँ और बुरी नजरों वालों की नजर से भी। माँ जी क्या रे नंदू, सुना कल तूने मुखिया के कुत्ते को काट लिया था? पहले कुत्ते ने मेरे को काटा था इसलिए मैंने उसे काट लिया। झगड़े के अंदर मैं हिसाब बराबर रखता हूँ। अच्छा अच्छा ले पकड़, इसमें मौसम्बी का रस है, गाजर का हलवा है और ताजे सेब है। हर आधे घंटे बाद मेरे राजा को खिलाते पिलाते रहना। जी मालकिन, हर आधे घंटे के बाद मैं इनको खिलाता रहूंगा। ऊंट की तरह खड़ा क्यों है, बैठ जाना। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, और फिर मुझे मालकिन की चपले खानी है क्या तो मैं इनके बराबर में बैठू? क्या हुआ बेटा? माँ मेरा लॉकेट अंदर अटक गया है। अरे लॉकेट ये ले। हाँ अब ठीक है। माँ मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छा लग रहा है मेरा बेटा, अब तू जा नहीं तो मेरी नजर लग जाएगी, चल जा। अबे छतरी हटा, छतरी हटा नंदू, छतरी हटा मुझे दिखे। आगे हाथ जोड़ती हूँ, मत कीजिए, मुझे थोड़ी सी और मोहलत दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी लाला जी। नमस्ते राजा बाबू। क्या हो रहा है सब? छह महीने पहले 10,000 रुपए लेके गए थे, अब देने का नाम ही नहीं लेते राजा बाबू। इस गांव में हमारी कोई इज्जत है कि नहीं? हाँ वो तो है राजा बाबू। इस गांव के चौधरी के हम इकलौते बेटे है कि नहीं? इसमें क्या शक है राजा बाबू। तो फिर किसी भी गरीब को बेघर करने से पहले तुमने हमारी इजाजत क्यों नहीं ली? वो क्या है? राजा बाबू का मतलब मालूम है तेरे को? अगर इनको गुस्सा आ गया तो क्या से क्या हो जाएगा मालूम है तेरे को?
जाहिल जिस तरह से तुमने ये बर्तन घर से बाहर फेंके हैं उसी तरह शराफत से बर्तन घर के अंदर रख। चला के नहीं, चलो रखो उठा के चलो। लेकिन मेरे 10,000 रुपए हम किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे। जाओ जाकर हमारे बाबूजी से 10,000 रुपए ले लो। जाओ चुप चुप क्यों राजा, चलो उठाओ चलो जल्दी रखो। सुहाना सफर और मेरा खर्चा मेरे ऐसा राजा बाबू, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। ओहो हो, ओहो हो, ओहो हो। ए, इधर आ। ये सामने क्या लिखा है? हर हर महादेव। राजा बाबू आप नमस्ते। क्या नमस्ते राजा बाबू, इस सिनेमा को इस गांव में रखना कि नहीं? अरे कभी कभी अमिताभ बच्चन के पिक्चर भी लगाया करो, तुम्हें पता नहीं हमारे राजा बाबू अमिताभ बच्चन की पिक्चर से कितने खुश होते हैं। उसकी पिक्चर मालिक 25,000 में मिलती है, इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊं? अरे तुमको लाने का कौन बोल रहा है? हमारे राजा बाबू को पैसे की कोई कमी है क्या? जाओ जाकर हमारे बाबू जी से पैसे ले लो। आज रात को हम अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखेंगे। ये काले काले पैसे तो रो रो। नमस्ते अपराधी। क्यों बेकार में परेशान हो रहे हैं, सो जाइए ना, सुबह बात। तुम चुपचाप बैठी रहो, मेरा सर फिराओ, मैं जब तक उसे निपट नहीं लूंगा मुझे नींद नहीं आएगी। इतना नाराज क्यों हो रहे हो, क्या किया मेरे लाडले? क्या किया है? मेरा मतलब है एक गरीब औरत घर से निकाली जा रही थी, उसे भेज दिया 10,000 रुपए लेने के लिए, बस इतना ही ना और क्या? और वो जो सिनेमा वाले को यहाँ भेज दिया 25,000 रुपए लेने के लिए, वो अमिताभ बच्चन का शो देखने तो शहर चला जाता, 25,000 रुपए में शो क्यों देखा उसने? अजी आ गया बेटा, तुम आ तो गए हो। मार डाले को, मार अमिताभ बच्चन, मार मार। आप आराम से बैठिए, आराम से बैठिए, लो कश की चुक कश। राजा बाबू के सामने से हट, समझते नहीं है यार। आप कुर्सी पे पाँव रखिए, हाँ रखिए। छोड़ दे, छोड़ दे, क्या कर रहे हैं? अरे राजा बाबू आपने 25,000 रुपया खर्चा करके शो खरीदा है, आप कुर्सी पर तो क्या पर्दे पर भी पाँव रख सकते हैं। उधर बैठ। आगे देख। क्या दे रहा है? हाँ तेरी माँ मर गई क्या? नहीं, फिर ताली क्यों नहीं बजाता? देखता नहीं कि राजा बाबू को मजा आ रहा है, चल ताली बजा बजा। ये अमिताभ बच्चन की तरह आपका कांधा टेढ़ा क्यों हो गया है? सीधा कर लीजिए। मार जी, 12 बजने को आ गए, अब तो सो जाइए। तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, मुझे नींद नहीं आ रही है। लेकिन मुझे तो आ रही है ना। तो तुमसे किसी ने कुछ कहा है? जाके सो जा। कैसे सो जाऊं? मैं नहीं होंगी तो पता नहीं क्या करोगे आप। वो मेरा भी बेटा है, गला घोंट के मार नहीं दूंगा उसको मैं। जानती हूँ, लेकिन बाप बाप होता है और माँ माँ।
मैं आ गया। अच्छा वो तो आ गया, बहुत कम वक्त बचा है बेटा। नहीं माँ, मैं तो कोई सुख नहीं दे सकी। कैसी बातें करती हो, सारी जिंदगी मेरे लिए दुआ था तुमने, तूने सब कुछ मेरे लिए तो किया ना। मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं, हिम्मत देखना चाहती हूँ, हिम्मत। राजा बाबू मत रोइए। ले लो। नंदू, ये मुझे एक बार फिर से दिखाने के लिए बोल। थोड़ा पीछे ले और दोबारा शुरू कर। अरे ये क्या घड़ी घड़ी लगा रखा है, कौन बोला, कौन बोला? ए प्रॉब्लम बंद कर, तू है चालू कर। कौन सालो, पोकर में पिक्चर देखते हो? मालूम है इस फिल्म के लिए हमारे राजा बाबू के 25,000 रुपया खर्चा हो गए। माफ करना नंदू सेठ, माफ कर दिया, समझता नहीं है तू यार। ए लाइट बंद कर, फिल्म चालू कर। देखिए आपको मेरी कसम है, कुछ मत कहिएगा मेरे बच्चे को। तुम चुप रहो, आपके हाथ छोड़ती हूँ। आप नंदू, कल हम लोग शहर जा, जरूर जाएंगे। तुमने पूछा नहीं हम लोग क्यों जा रहे हैं? बचपन से आपके साथ रहता हूँ, अभी भी आपकी दिल की बात पूछनी पड़ेगी क्या? अमिताभ बच्चन ने जैसे त्रिशूल में कपड़े पहने थे ना, वैसे ही कपड़े बनवाने के लिए जाना है। बहुत समझदार हो गया। आपके साथ रहता हूँ ना, फर्क तो पड़ता ही है। मैं तो कहता हूँ कि कल शहर जा रहे हैं, जैसी एम्बुलेंस अमिताभ बच्चन लेके घूम रहा था ना, वैसे एक एम्बुलेंस भी खरीद लेते हैं। अटपटे की बजाय उस एम्बुलेंस में घूमेंगे ना तो बड़ा मजा। नहीं आएगा एम्बुलेंस का क्या करेगा, उसमें लेट के अस्पताल जाएगा? तू क्या समझता है इसके बाप के पास नोट छापने की मशीन है? अरे क्यों मेरे पैसे बर्बाद करता है तू? क्या बाबूजी, जब देखो आप पैसा 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 करते हैं। अच्छा पैसा पैसा पैसा, दो पैसा कमाएगा तो पैसे की कीमत का पता चलेगा। अरे मगर मुझे पैसा कमाने की जरूरत क्या है? तो क्या करेगा फिर? ये जायदाद किसकी है? किसकी? अरे मेरी है, नहीं तो क्या आपकी है? अरे सब मेरे दादा के पैसे, और दादा की जायदाद पर सबसे पहला अधिकार उसके पोते का होता है। नंदू उस दिन शहर में वकील क्या कह रहा था? ऐसा ही कुछ कह रहा था। वकील? तू वकील के पास जाने लगा है? अरे बाबूजी, अरे बाबूजी, जल्दी जल्दी, क्या हुआ, क्या हुआ जल्दी? पता नहीं अचानक बहुत दर्द हो रहा है मुझे। ए नंदू जल्दी आकर वाजी को लेकर चले जा, बहुत दर्द हो रहा है। तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, जा वाजी को बुला के ला। नहीं जी, वाजी को आते आते बहुत देर हो जाएगी, मुझे मुझे ही वहां ले चलिए। निशाना मेरी पिस्तौल का ही नहीं, मेरी दिमाग की सोच का भी बहुत पक्का है। मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं सिबागो वफादारी पर नोट के ढेर लगाता हूं, तो गद्दारी पे गद्दारों के सीने पर मौत के मेडल भी लगा देता हूं। That is सिबागो। That's right, boss. Welcome, मनीष, welcome. सुना आपकी बार मुझे फिर मौत से खेलना पड़ेगा? मजा तो इसी खेल में है। आज होटल ब्लू डायमंड के स्विमिंग पूल पर तुम्हें 10 करोड़ के हीरों का सौदा करना है। हो जाएगा। लेकिन होशियार रहना, क्योंकि इस बार शायद पुलिस को यह खबर मिल चुकी है कि हीरे हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं। सिबागो साहब, मैं उस डिपार्टमेंट के नस नस से वाकिफ हूं जिसका नाम है पुलिस डिपार्टमेंट। तुम्हारे आने का वक्त 11 बजे, यू नो दैट। तुम्हारी बेटी से पूछो, उसने मुझे 12 बजे उठाया तो मैं कैसे 11 बजे आ सकता हूँ? किसने कहा था मेरी बेटी को भगा ले जाने के लिए? अरे भगा कर कहाँ ले गया था, हल्लू हल्लू रिक्शा में बिठा गया, आराम से ले गया था। 70 रुपया बिल हुआ था, अभी तक नहीं दिया तुमने। 70 रुपया मैं क्यों दूं? मुझसे पूछ के भगा के ले गए थे मेरी बेटी? अरे दुनिया का कोई भी लवर बाप से पूछ कर बेटी को भगा ले जाता है क्या? शट अप। मेरे रोज का रूटीन हो गया है नाश्ता करके देर से आने का। नाश्ता? अरे जब से तुम्हारी बेटी से शादी की है चना खा रहा हूँ, चना घोड़ा बन गया है मेरा घोड़ा। आज उसने नाश्ते में क्या खिलाया मालूम है? एक शैम्पू। अरे हंसता है? शुक्र मनाओ तुम्हें एक शैम्पू खिलाया। मुझे तो दूध में मलाई की जगह सफेद रुमाल डाल दिया था। चटप, ये फाइल लो। गो थ्रो। ये तुम्हारे मर्डर केस की फाइल है? क्या बोला? नहीं मैंने कहा किसके मर्डर केस की फाइल है। लिसन, महेश नाम का एक आदमी आज होटल ब्लू डायमंड में
करोड़ों के हीरो की डीलिंग करने वाला है। गॉड गॉड, फिर पहले उसको डीलिंग करने दो। क्यों? क्योंकि कानून बोलता है कि जब तक कोई मुजरिम जुर्म ना करे तब तक उसकी गर्दन पर हाथ मत डालो। सॉरी सॉरी, जैसे हीरो की डीलिंग होगी तुम उसे रंगे हाथों गिरफ्तार करोगे। होटल ब्लू डायमंड स्विमिंग पूल। इसने भी घड़ी देखा, उसने भी घड़ी देखा। ने उड़ी मारा, उसने भी उड़ी मारा। लफड़ा है, मैं भी उड़ी मारूंगा। नहीं छोड़ूंगा। जल्दी आ जाओ। देखा। देखा सर, क्या सेक्सी फिगर पूल के अंदर। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अरे गधो, वो फिगर नहीं, वो देखो। कपड़े बदल कर भाग रहा है। तुम इधर शॉर्ट कट से जाना, तुम इधर लंबे कट से जाना। चलो जाओ जाओ जाओ। नहीं छोड़ूंगा। अरे 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 मेरी साइकिल। नहीं छोड़ूंगा। मेरे सामने अच्छे अच्छे गिर पड़े, समझे? लेकिन भैया मनीष, फिक्र मत करो छोटे, मनीष हीरे लेकर पहुंच जाएगा। अरे पन्ना, अरे पन्ना, मुझे पन्ना, अरे हीरे का हीरा, हीरा, अरे यहाँ, अरे तू हीरा नहीं, हीरे वाला चोर का है। शालू शालू,
अरे तू रॉकेट की तरह कहाँ भागी जा रही है? अरे बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के आ रहा हूँ। आजकल तो किधर गोली चलता है, किधर मशीन गन चलता है और किधर बम ब्लास्ट होता है। पहले तो जीना मुश्किल था, आजकल तो सारा जान बचाना मुश्किल हो गया। इसीलिए तो कहता हूँ मेरी जान, जल्दी से शादी कर ले, हनीमून मना ले, ढेर सारे बच्चे पैदा कर दे। अबे साले, तेरे को तो हर वक्त मजाक सोचता है, हट। अरे नहीं शालू नहीं, अगर तुम मुझसे बिछड़ गई तो क्या करोगी? करवट बदलोगी या आहे भरोगी? ना करवट बदलूंगा ना आहे भरूंगा, हट। बस 24 घंटे तेरे को लव लेटर लिखूंगा। आपने कौन है? मैं लगा क्या? नहीं नहीं, आपको कुछ चाहिए? जी हाँ। क्या? टीवी और वीडियो। टीवी वीडियो चाहिए? जी। तो भाजी के सेक्शन में क्या देख रहे हो? टीवी वीडियो उधर है, आओ। अच्छा, आज यहाँ का सारा माल लेकर निकलना है। अरे जरा आस्ते बोल, सुन लेगा तो। अरे वो तो बहरा है। आइए सर, आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए। आप क्या लेंगे सर? मुझे कुछ नहीं चाहिए। किधर गया? अबे मैं यहाँ हूँ। अरे तू क्या करता है यार? फिर कोई गिर गया क्या? अरे उधर नहीं, इधर गिरा हुआ है। मुझे जब कुछ लगता तू किसी को गिरा देता। माफ करना भाई, ये मेरा जो साथी है ना, ये बेचारा अंधा है, इसको देखता नहीं, मगर अंदाजे से सारा काम कर लेता है। नमस्ते जी। मेरे कहाँ कर, इधर करना। नमस्ते जी। अरे दरवाजे पे नहीं, इधर है यार। ठीक है ठीक है, कुछ बोला इसने? फालतू जान दे। अच्छा तू काम कर, मैं जाके काउंटर संभालता हूँ, तू इन गाहकों को संभाल। कुछ करके भाग गया तो नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। आपको क्या चाहिए? टीवी वीडियो। ये घड़ी तुम्हारे पास से ले गया था मैं, एक साल का गारंटी था। तो एक साल के बाद में आओ। अरे इसका लेकिन सेकंड का काटा नहीं चलता, मिनट का काटा नहीं चलता, घंटे का काटा नहीं चलता। क्या नहीं चलता है? घंटे का नहीं हिलता है। नहीं चलता है, मैं भी चलाता हूँ, दो मिनट का काम। चाबी? ये रही चाबी। ये गाड़ी के पार्ट्स अच्छे नहीं है। गाड़ी नहीं भाई, घड़ी थी। घड़ी? घड़ी घड़ी घड़ी। हाँ। तो पहले बोलने का नहीं? अरे और घड़ी थी तो इधर काय को लेकर आया? घड़ी वाले के पास नहीं लेके जाने का था? क्या आदमी है यार। अरे इतना सारा सामान खरीद लिया? जी हाँ। मैं एक मिनट। अच्छा एक काम कीजिए, आप पैसा निकालिए, मैं बिल बना देता हूँ। बिल? हाँ पैसे दे दो। ये लो पैसे। अरे ये क्या कर रहे हो भाई? अरे टीवी दिखा रहा हूँ यार। अरे ये कोई तरीका यार? अब मेरा तो यही तरीका है, सब टीवी बेच दिए, बस एक दो रह गए हैं। अरे अरे क्या करता है, खड़े खड़े लूटने का इरादा है क्या? अरे ऐसे कैसे लूटेंगे? अरे ये मेरे गले पे पिस्तौल लगाने का क्या मतलब है? गणपति पर पिस्तौल रखने का मतलब होता है कि पिस्तौल पिस्तौल नीलांबर। बिल बना के पैसे मांग रहा था। हाँ देता हूँ तुझे, बिल बना के पैसे मांग। घुमा और घुमा, दोनों तरफ घुमा। नीलांबर पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, नीलांबर पुलिस 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 पुलिस। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? साहब साहब घोड़पड़े साहब आ गए। घोड़पड़े साहब? हाँ। ये लोग हमारे टीवी और वीडियो लेकर जा रहे थे, पकड़ लो इनको। इधर सर, इधर। या तू हमेशा रॉन्ग डायरेक्शन में हाथ दिखाता है। होलर इसको भी लात मारो, इसकी धुलाई कराओ। अरे पकड़ो इनको, साले छोड़ कहीं के। चल चल लात मार, दिखा दो। ठीक काय 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 झालं, काय काय झालं? धर्मपत्नी पहली बार तुम्हारी खरीदारी पर गिरफ्तारी हो गई। हां इतना अंडे ले लो। अंडा?
था? अंडा क्या, सारी दुकान ले लो, घर का सारा सामान ले लो, होली के लिए गुलाल ले लो, जो पसंद आए वो माल ले लो, पति के लिए कॉफी ले लो और खून साफ करने के लिए साफी ले लो। एक शैम्पू लाऊं? एक शैम्पू मुझको भी बहुत पसंद है। ये अपने बाल जो है एक शैम्पू से ही धोता हूँ, तुम कैसे धोती हो?